कोटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेपरेट वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए हमने इंटीरियर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की काफी डिमांड थी, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं, इजी टू यूज किया हुआ है, काफी सारे फॉर्मूलास वगैरह भी डाले हैं। और इस टाइप के इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए कोटेशन के फॉर्मेट बन जाते हैं बहुत ही इजीली। तो ये सॉफ्टवेयर वेबसाइट पर से कैसे डाउनलोड करना है, डेमो इंस्टॉल करना है फ्री में, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु की वेबसाइट है दोस्तों। ये वेबसाइट पे चले जाइए गूगल के अंदर, यहाँ सर्विस सेगमेंट के अंदर ये रहा इंटीरियर डिजाइनर्स कोटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर। ये सेपरेट लिंक हमने बनाई हुई है, यहाँ पर से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी ये लिंक दी हुई है, जहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। आइए चलते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये रहा डाउनलोड का बटन, डाउनलोड का बटन दबा दीजिए, ये हमको यहाँ सुपर ईआरपी में ले जाएगा। ये सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करो, गूगल ड्राइव में से ये डाउनलोड का बटन दबा दो। समझो ये यहाँ पे अलाउ नहीं करता है, तो आपको कीप ये सब सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मे हाम लिखा हुआ है, कोई भी एग्जीक्यूटिवल ईएक्सई को आपका गूगल या कोई भी ब्राउजर ऐसा इंटीमेशन देता है, आपको डाउनलोड एनी वे का बटन यहाँ पर प्रेस कर देना है दोस्तों। ये देखो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है सुपर ईआरपी, ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, ये डाउनलोड हो रहा है, तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लगता है इसको। ये देखिए यहाँ पर समझो ये ब्लॉक कर रहा है, तो कीप इट एनी वे ऐसा बटन यहाँ पर दबाना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर ईएक्सई डाउनलोड हो गई है, यहाँ पर ये सुपर ईआरपी सेटअप को क्लिक कर दीजिए। तो ये इस तरीके से विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी इस तरीके का मैसेज आएगा, यहाँ पर मोर इन्फो पे क्लिक करोगे तभी ये रन एनीवे का बटन डिस्प्ले करेगा। ये रन एनीवे का बटन मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया इंस्टॉलेशन, ये देखिए वेलकम टू सुपर ईआरपी सेटअप विजार्ड, नेक्स्ट कर दिया। डी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर बनाता है, इंस्टॉल करेगा, फोल्डर बनाएगा, लेकिन यदि आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव नहीं है तो ब्राउज सिलेक्ट करके आप सी ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट दबा दिया, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट इंस्टॉल, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ये देखिए ये सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आइकन भी आ गया। इसको अभी लॉन्च नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर अभी सपोर्ट सेटअप इंस्टॉल करने के बाकी है। सपोर्ट सेटअप चलाना बहुत जरूरी है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डीएलएल फाइल का सेटअप होता है। मैंने यहाँ आइकन के ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन दबाया, तो ये इस तरीके से एक फोल्डर ओपन होगा दोस्तों, जिसकी यहाँ पर हमारा सुपर ईआरपी इंस्टॉल हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे कि एकदम ऊपर सेटअप करके फोल्डर बना होगा। मैं ये देखिए यहाँ पर ये सेटअप करके फोल्डर है, ये सेटअप फोल्डर को डबल क्लिक करो, यहाँ पर ये सपोर्ट सेटअप करके फाइल है, ये इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है। यदि पर्सनल सपोर्ट चाहिए तो टीम व्यूअर यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। ये सपोर्ट सेटअप को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, वेलकम टू सपोर्ट सेटअप रन टाइम डीएलएल फाइल सेटअप विजार्ड, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉल दबा दूंगा। ये इस तरीके से प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आ जाएगा और फटाफट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो ये इसके इसमें भी टाइम नहीं लगता है, बहुत फटाफट हो जाता है इंस्टॉलेशन। ये देखो ये हो गया, रनिंग कमांड प्रॉम्प्ट फाइल ये आ गया, क्लिक हियर टू फिनिश, कुछ इग्नोर या ऐसा कुछ एरर आए अबाउट तो वहां पे इग्नोर का बटन दबा देना। ये फिनिश का बटन दबा दिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ये रहा सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, डबल क्लिक करने से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कंटिन्यू दबा दो दोस्तों, सुपर ईआरपी का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। क्रिएट न्यू कंपनी दबा दो, यहाँ पर आपके फॉर्म का डिटेल भर दो। बस ये हो गया, अब सीधा ये क्रिएट कंपनी का बटन दबा दीजिए, आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट वन ही है, उसको वन ही रहने दो डेमो मोड में। ये रहा आपका कंपनी, इसको डबल क्लिक करो, यूजर नेम में एक लिखो, पासवर्ड में एक लिखो, लॉगिन करो। ये देखो ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया दोस्तों,
समझो ये सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन फॉर्म आ रहा है, तो आप आपका नाम लिख दीजिए और यहाँ पर लाइसेंस नंबर में K9727 पार्टनर कोड में K9727 डाल के सेंड एक्टिवेशन रिक्वेस्ट दबा दीजिए। इससे आपका सॉफ्टवेयर डेमो मोड में एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। अब आइए चलते हैं, हम सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर आइटम्स में जाएंगे, हमने थोड़े बहुत आइटम यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे कि समझो बेडरूम डिजाइन, तो ये यहाँ पर लिख दिया। जीएसटी वगैरह लगाना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं दिखाना है तो आप उसको ओमिट भी कर सकते हो। यहाँ पर प्राइमरी यूनिट में नंबर, स्क्वायर फुट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, एचएसएन कोड डालना है डाल सकते हो। ये देखो क्वांटिटी आ गई, साइज आ गई, डिटेलिंग में कुछ करना है आपको तो यहाँ पर डाल सकते हो जो भी डिटेल डालनी है। कर लिया, यहाँ नो फोटो अवेलेबल पे क्लिक करना है और आपके पास जो भी इमेजेस अवेलेबल है डेस्कटॉप के ऊपर या ऐसे कुछ, वो इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये बेडरूम का एक डिजाइन है जो हमें सिलेक्ट करना है, ये हमको कोटेशन में चाहिए तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, ये डिजाइन आ गया। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 अलग अलग डिजाइन आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि जब भी कोटेशन देना हो इसको आप इजीली सिलेक्ट कर सको दोस्तों। अब मैं कोटेशन बनाने के लिए ट्रांजेक्शन में चला जाता हूँ। ये रहा कोटेशन टैक्स वाइज, यहाँ पर चले जाऊंगा, यहाँ न्यू का बटन दबा दूंगा, डेट अपने आप आ जाएगी, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो कस्टमर्स की डिटेल आ गई। ये प्लस का बटन दबाकर आप नया कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं और पेन दबाकर एडिट कर सकते हैं, कस्टमर का नाम एड्रेस वगैरह लिख देना है तो वो कोटेशन में छप जाता है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टर्म्स आ गई, देखो आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं जो भी भाई, एडवांस कैसे करना है, आपको सपोर्ट चार्जेस कैसे देना है, ये द मंथ में वेरी ऑन प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड टाइम एप्लीकेबल टैक्सेस जीएसटी एक्स्ट्रा प्राइस वैलिड फॉर 1 मंथ, आप आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी टाइप करेंगे वो डिस्प्ले में आ जाएगा। कोटेशन नंबर डाल दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए। देखिए आपने जितना भी यहाँ पर क्रिएट किया होगा प्रोडक्ट्स वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। भाई मैंने बेडरूम डिजाइन सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर बेडरूम में तो क्वांटिटी एक ही आएगी, साइज आ गया भाई लेट्स से 20 square foot by 15 square foot, तो इस तरीके से डाल सकते हो। यहाँ पर आप डिटेल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं पूरा स्क्वायर फुट डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने प्राइस डाल दी भाई 1000 rupees पर स्क्वायर फुट लूंगा, ये 3 lakh rupees आ गए। उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है वो भी आ गया क्योंकि मैंने 18% जीएसटी सिलेक्ट किया हुआ था। एंट्रेंस पैनलिंग ले लिया, देखो इसकी डिटेल इस तरीके से डिस्प्ले हो गई। सेफ्टी डोर विथ फ्रेमिंग, ये देखो भाई मुझे इसमें चेंज करना है, 3 feet 9 inch की जगह 5 feet कर दिया, 6.6 feet कर दिया, इस तरीके से मैं मेटल फिनिश विथ पॉलिश, इस तरीके से मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ। 1 quantity 25,000, तो इस तरीके से शू रैक बनाना है भाई, एक ये इसकी डिजाइन आ गई, देखो कितना फटाफट ये सब चीजें बनी हुई है तो तुरंत ही आ जाता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप प्राइसिंग वगैरह एडिटिंग कर सकते हो इस तरीके से। फिर कुछ नहीं है, आपको सीधा सेव दबा देना है। आप देखोगे ये बेसिक अमाउंट आ गया, CGST SGST आ गया और बिल अमाउंट भी बन गया। मैं यहाँ पर सेव दबा दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने ओके का बटन दबा दिया, डू यू विश टू प्रिंट में मैं यस का बटन दबा देता हूँ। ये देखिए ये फ्रेम बना हुआ है, पिक कोटेशन इंटीरियर कॉमन, यहाँ प्रिंट विथ इमेजेस, यदि आपको इमेजेस चाहिए तो यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए और ये प्रीव्यू का बटन दबा दीजिए दोस्तों। ये देखो आपका कोटेशन, आपकी कंपनी का नाम एड्रेस जो लिखा था वो आ गया, कस्टमर का नाम एड्रेस काइंड अटेंशन आ गया, डेट आ गई और आप देखोगे ये पूरा, देखो बेडरूम डिजाइन 20 square foot by 15 square foot, ये स्क्वायर फुट में यूनिट कितना यूनिट है, क्या प्राइस है, पूरी डिटेल आ जाती है। देखिए ये इमेज इसके साथ और यहाँ पर ये ग्रॉस अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, टैक्सेशन का बाइफर्गेशन वगैरह भी यहाँ पर ही डिस्प्ले हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से ये चीज़ बन जाती है इतनी रेडी,
और ये टर्म्स एंड कंडीशन भी बन गया है। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको 300%। ये देखिए कितना परफेक्ट इसका लुक आएगा, वो देखने की बात है। ये देखिए ये आपका बेडरूम का डिजाइन सब आ जाता है इमेज में, तो आप जैसा सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आता है। अच्छा, इस चीज का आप पीडीएफ भी इजीली बना सकते हो दोस्तों। यहां पर ये क्लिक कर दिया, ये डू पीडीएफ में बन जाता है। ये हम इसका सेटिंग करना पड़ता है, डू पीडीएफ डाउनलोड करके उसको डिफॉल्ट में लाना पड़ता है, उसके बाद ओके कर दीजिए। ये ओके का बटन दबा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से पूरी पीडीएफ फाइल भी बन जाती है जो आप आपके कस्टमर को भेज सकते हो दोस्तों। तो यही है हमारा इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए कोटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर। आज ही डाउनलोड करो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम प्राइस है। इसके साथ यदि आपको बिलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग वो सब भी मैनेज करना है तो इसी सॉफ्टवेयर से मैनेज हो जाता है। जीएसटी वगैरह भी मैनेज हो जाएगा यदि आपको मैनेज करना है तो दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा, ये कोटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स। इसके अंदर ये देखो ऑटोमेटिक स्क्वायर फुट कैलकुलेशन भी हो जाता है इसी सॉफ्टवेयर में। बाकी सब भी फीचर है, उसकी पूरी डिटेल यही ब्लॉग के ऊपर दी हुई है, तो आप ये विजिट कीजिए। और कुछ दिक्कत है तो आप हमारा इंडियन ऑफिस आवर्स के दौरान सपोर्ट भी ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9727935114। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।